गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, टुडे विल वी स्टार्ट अवर इंग्लिश रीडर। द टॉपिक ऑफ अवर इंग्लिश रीडर इज चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बनियान ट्री। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड्स, दे आर द लंग्स ऑफ सिटी। इन द ओल्डन टाइम्स दे आर वर थिक एंड ह्यूज ट्रीज इन द स्ट्रीट्स। पीपल यूज टू वर्शिप सम ट्रीज लाइक पीपल बनियान एटसेट्रा। रीड द लेसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टोरी विच टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, पेड़ों को हरा सोना भी बोला जाता है। दे आर द लंग्स ऑफ द सिटी, वो हमारे शहर के फेफड़े भी होते हैं क्योंकि वायु को शुद्ध करते हैं। इन द ओल्डन टाइम्स दे आर वर थिक एंड ह्यूज ट्रीज इन द स्ट्रीट, पुराने ज़माने में सड़कों के आसपास और घरों के आसपास लोगों के बहुत ही घने और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। पीपल यूज टू वर्शिप सम ट्रीज, लोग कुछ पेड़ों की पूजा भी करते थे जैसे कि पीपल, बनियान एट्सेट्रा। रीड द लेसन केयरफुली। आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी भी एक बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के बारे में है। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मैंगोज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। कोबरा और मैंगोज, सांप और नेवले की जो लड़ाई है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है पुराने जमाने से ही हमारे भारत में, और उसे बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग देखना भी पसंद करते हैं। द मैंगोज इज़ नॉट इम्यून टू द विनोमियस बाइट, जो नेवला होता है वो बिल्कुल भी सांप के भय से नहीं डरता। बट इट इज़ फास्टर, लेकिन ये बहुत ही तेज़ होता है एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक, सांप से भी ज़्यादा गतिशील और सांप से भी ज़्यादा छल जो होता है वो नेवले के अंदर होता है। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक। सांप जो होता है, कोबरा जो होता है, वो अपने सुरक्षा की दृष्टि बनाते हुए इस जानवर पर प्रहार करने की कोशिश करता है और इस पर कई स्ट्राइक्स, कई बार इसको मारने की कोशिश भी करता है। बट द क्विक मूविंग मैंगोज जम्प्स आउट ऑफ रीच, लेकिन बहुत तेज़ गतिशील वाला नेवला बहुत तेज़ गति से भाग जाता है उसके पहुँच से एंड कम्स एट द स्नैक, और सांप के पास आ जाता है फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, दूसरी ही दिशा से। बिफोर द स्नैक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नैक। ये लड़ाई जो है ये स्नैक को, सांप को बहुत बुरी तरीके से हतोत्साहित कर देती है, थका देती है। एंड द मैंगोज इज़ फाइनली एबल, और अंत में नेवला तैयार हो जाता है, योग्य हो जाता है टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन स्नैक, कि वो जाकर के उस थके हुए सांप के गर्दन को पकड़ ले और उसमें अपने दांतों को गड़ा दे, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेरी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी। यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री, आपने हमेशा बरगद का पेड़ अवश्य ही देखा होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, ये कहानी है जिसे लेखक बता रहा है, जब उसने देखी थी कहानी, उसने अपने बचपन की कहानी लिखी है एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था। When he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house, जब वो अपने दादाजी के घर में पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उस समय उसने जो कुछ भी देखा उसने इस स्टोरी में हमें बताया है। Though the house and grounds belong to my grandparents, लेखक कहता है कि घर और मैदान हालांकि मेरे दादा दादी जी के थे, the magnificent old banyan tree was mine, लेकिन जो वो मुख्य पुराना बरगद का पेड़ था वो सिर्फ मेरा था, चीफली सिर्फ मेरा ही था, बिकॉज क्योंकि ग्रैंडफादर मेरे दादाजी एट 65 वर्ष की उम्र में कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड, इसकी फैली हुई शाखाएं जो कि नीचे ज़मीन को छू रही थी, एंड टुक रूट अगेन, और फिर ज़मीन से दूसरी जड़ प्रकट होकर के फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, नए नए रास्ते बना रही थी। गेव मी एंडलेस प्लेजर, इन सब को देख करके मुझे बहुत ही अधिक आनंद की अनुभूति होती थी, जो कभी भी आनंद जो मेरा ख़त्म नहीं हो सकता, एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसे आनंद की मुझे अनुभूति होती थी। एमंग दैम, इन्हीं में वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, इन्हीं सब में छोटी छोटी गिलहरियाँ, स्नेल्स, घोंगे और तितलियाँ भी रहते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ये पेड़ मेरे हमारे घर से भी अधिक पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इट्सेल्फ, वो शायद इतना पुराना था जितना कि देहरादून है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं इसकी शाखाओं में खुद को छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और इसके पीछे हरी हरी पत्तियाँ
जो लगी हुई थी उनके पीछे खुद को छुपा लेता था एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे जो मेरा संसार था, जो दुनिया थी, उससे छुप करके मैं इस पेड़ पर बैठ जाया करता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरी पहली दोस्त मेरी एक छोटी सी गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक, जो कि हमेशा उछलती कूदती रहती थी, एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, उसने पहली बार अपने उस स्थान को जिसमें वो हमेशा रहा करती थी उसमें मेरी अनुपस्थिति, मेरी उपस्थिति को महसूस किया था। बट वैन ही फाउंड, लेकिन जब उसने पाया दैट आई डिड नॉट हार्म माई सेल्फ, कि मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, विद कैटापल्ट और एयरगन ही बिकम फ्रेंडली, मैं उसके ऊपर बंदूक नहीं चलाऊंगा या उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो मेरी दोस्त बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, और जब मैंने उसके लिए केक के टुकड़े लाने शुरू किए एंड बिस्किट, और उसे बिस्किट खिलाना शुरू किया, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वो बहुत अच्छी मेरी दोस्त बन गई और इतनी अधिक शक्ति उसके अंदर हिम्मत आ गई कि एंड वाज सून टॉकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, मॉर्सल्स कहते हैं टुकड़े खाने के, तो वो मेरे हाथ से छोटे छोटे केक के टुकड़ों को अपने आप ही आकर के ले जाती थी। बिफोर लॉन्ग, इसके बाद ही वाज डेल्विंग इनटू माय पॉकेट्स, इसके बाद वो मेरी इतनी अच्छी मेरे नज़दीक आ गई कि वो अक्सर मेरे पॉकेट में मेरी जेबों में बैठ जाया करती थी। एंड हिम हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और अपने आप ही ढूंढने लग जाती थी। ही वाज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो बहुत ही यंग स्क्विरल थी, बहुत ही जवान थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट, और उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार जो थे वो अक्सर, प्रोबेबली मीन्स अक्सर, ये सोचा करते थे कि वो मूर्ख है एंड हैड ए स्ट्रोक, और वो पागल है जो विश्वास कर रही है फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, एक इंसान के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में।